हेलो दोस्तों, अनएक्सप्लोर पैराडाइज की टीम आज आपको बादलों के घर मेघालय लेकर आई है। अगर आप बादल को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो आप मेघालय जरूर आइए। मेघालय अपनी खूबसूरत पर्वतमालाओं, भारी बारिश, धूप, लुभावने झरने, कलकल करती नदियाँ और दूर दूर तक फैली मखमली घास जैसे मैदानों के लिए फेमस है। किसी को पहाड़ के साथ वादियां पसंद आती है तो किसी को समंदर की मदमस्त लहरों के साथ खेलने में आनंद मिलता है और कुछ लोगों को बादल को करीब से छूकर उसे महसूस करने में खुशी मिलती है, जिसकी हसरत केवल मेघालय में पूरी हो सकती है। नॉर्थ ईस्ट का खूबसूरत राज्य मेघालय दो शब्दों से मिलकर बना है, मेघ यानी बादल और आलय का मतलब घर, इसीलिए मेघालय को बादलों का घर कहते हैं। प्रकृति का खजाना है मेघालय। यहाँ आकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने खुद मेघालय का फुर्सत से श्रृंगार किया है। तो आइए अनएक्सप्लोर पैराडाइज के साथ मेघालय को एक्सप्लोर करते हैं। खूबसूरत पहाड़ियों के चलते मशहूर शिलोंग को भारत के नॉर्थ जोन का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। वैसे तो मेघालय की राजधानी शिलोंग में बहुत कुछ खास है, लेकिन शिलोंग पीक से आप पूरे शिलोंग का शानदार व्यू देख सकते हैं, जो मेन सिटी से करीब 10 किलोमीटर की दूर एक पहाड़ी पर स्थित है। और जब आप रात में करीब 2000 मीटर की ऊंचाई से शहर को देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो समुन्द्र में दीपक जल रहे हैं। ये नज़ारा वाकई में अद्भुत होता है। वही शिलोंग के नाम को लेकर इतिहासकार कहते हैं कि इसी पर्वत के नाम पर ही शहर का नाम रखा गया है। तो स्थानीय लोगों की माने तो उनके देवता ली शिलोंग इसी पर्वत पर विराजमान है। खूबसूरत शिलोंग को झरनों का शहर भी कहा जाता है। एलिफेंट फॉल्स नॉर्थ ईस्ट के सबसे फेमस फॉल्स में से एक है। कहा जाता है जब इस झरने की खोज हुई थी तो ये झरना चट्टान पर हाथी के आकार के रूप में गिर रहा था, जिसकी वजह से इस झरने को एलिफेंट फॉल्स का नाम दिया गया। आप शिलोंग में साइट सीन की तलाश कर रहे हैं तो ये जगह आपके इंतजार में है। स्वीट फॉल्स, उमियम लेक, लेडी हेदरी पार्क और डॉन बॉस्को म्यूजियम, जिसमें आपको नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति की झलक एक ही छत के नीचे देखने को मिलेगी। तो जल्दी से अपना बैग पैक करिए और अनएक्सप्लोर पैराडाइज के साथ नॉर्थ ईस्ट भ्रमण करने के लिए तैयार हो जाइए।